हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस व्हिच आर आस्क्ड इन मेनी टाइप ऑफ एग्जाम्स मेनी टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक टू हील्स यानी भाग जाना, इंग्लिश में इसको कहेंगे रन अवे। नेक्स्ट है द लायंस शेयर यानी अत्यधिक भाग प्राप्त करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे गेट अ बिग पार्ट। नेक्स्ट है थ्रो एंड थ्रो यानी पूर्णतया, इंग्लिश में इसको कहेंगे कम्प्लीटली। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी हतोत्साहित करना, इंग्लिश में इसका अर्थ होगा डिस्करेज। नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन यानी कई बार, इंग्लिश में इसको कहेंगे रिपीटेडली। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो यानी इधर उधर, इंग्लिश में इसको कहेंगे हेयर एंड देयर। टू एंड फ्रो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अनेकों एग्ज़ाम में अनेकों बार पूछा गया है। नेक्स्ट है टू बी एट अ लॉस यानी किम कर्तव्य विमूढ, इंग्लिश में इसका अर्थ होगा कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी क्या करना है उसका ज्ञान ना हो पाना, अपने कर्तव्य का बोध ना होना। नेक्स्ट है टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर यानी दिवा स्वप्न देखना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट है टू कॉल नेम्स यानी गाली देना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू अब्यूज। नेक्स्ट है टू कट ए सॉरी फिगर यानी छवि खराब होना, इंग्लिश में इसका अर्थ होगा टू क्रिएट बैड इम्प्रेशन। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक यानी निष्फल होना, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू बी यूजलेस। नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी दूसरों की परेशानी में लाभ उठाना, मेक प्रॉफिट फ्रॉम डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है टू फॉलो सुइट यानी अनुसरण करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू डू द सेम। नेक्स्ट है टू फूट द बिल यानी बिल का भुगतान करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू पे द बिल। नेक्स्ट है टू ग्रीस द पाम यानी रिश्वत देना, इंग्लिश में इसका अर्थ होगा टू ब्राइब। नेक्स्ट है टू कीप वंस वर्ड यानी वायदा करना, इंग्लिश में इसको इसका अर्थ होगा यानी प्रॉमिस। नेक्स्ट है टू लुक फॉरवर्ड भविष्य की तरफ देखना, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू सी बिफोर। नेक्स्ट है टू मीन्स मैटर यानी दवा देना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू पास ओवर। नेक्स्ट है टू सेट द थेम्स ऑन फायर यानी विशिष्ट कार्य करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू डू समथिंग रिमार्केबली। नेक्स्ट है टू शो द व्हाइट फीदर यानी कायरता दिखाना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू शो द कावर्डाइस। नेक्स्ट है टू टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा लुक आफ्टर। नेक्स्ट है टू टेक फ्रेंच लीव यानी बिना आज्ञा के छुट्टी पर चले जाना, इंग्लिश में इसको कहेंगे टेक लीव विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है टू टेक टू टास्क यानी दंडित करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे पनिश। नेक्स्ट है टू टेल अपॉन यानी बुरा प्रभाव डालना, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू गिव इल इफेक्ट। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल यानी पूर्णतया, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा होली यानी या फिर विथ ऑल द फोर्स एट कमांड यानी पूर्णतया। नेक्स्ट है टर्न वंस कोट यानी पार्टी को बदल देना, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा चेंज द साइड ऑन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है
टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी पूर्ण रूप से बदलना, इंग्लिश में इसका अर्थ होगा टू बी चेंज इंटायरली। तो आज के आइडियम्स फ्रेजेस यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे के जो बचे हुए आइडियम फ्रेजेस हैं वो आपको नेक्स्ट सेशन में प्राप्त होंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे इंग्लिश ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए बहुत ही अच्छा मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही उच्च क्वालिटी के आइडियम्स फ्रेजेस, वन वर्ड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड अदर मेनी थिंग्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बैंक और एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।